सभी को नमस्ते और आप सबका स्वागत है। एक बार फिर से आज हम चर्चा करने वाले हैं जो एक नया कानून बना रही है सरकार, जिसमें महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए जो शादी करने की मिनिमम एज है वो बढ़ाकर 18 से 21 वर्ष की जा रही है। इस पर हमने मधुकेश्वर जी के साथ भी एक कार्यक्रम रखा था जो परसों था, और मधु जी का कहना था कि ये नहीं होना चाहिए, गलत है। लेकिन इस कानून में दोनों तरह के पक्ष के लोग मिल रहे हैं, एक जो इसका समर्थन करते हैं, एक जो इसका विरोध करते हैं, और दोनों के अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं। कुछ स्ट्रॉन्ग है, कुछ वीक है, वो तो हम डिसाइड कर सकते हैं। अब इस विषय में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, आज हम वो जानने का प्रयास करेंगे, जिसके लिए मुझे लगा कि भरत गुप्त से अच्छा में कोई इस तरह का व्यक्ति नहीं मिलेगा जो इस पर प्रकाश डाल सके, और उनसे भी समझने का प्रयास करेंगे कि वो इस विषय में क्या मत रखते हैं, ताकि हम एक अपना भी इन्फॉर्म्ड मत बना सके। तो भरत गुप्त जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, पहले उनका स्वागत करते हैं। प्रणाम भरत गुप्त जी। प्रणाम। प्रणाम नीरज जी, मुझे बड़ी प्रसन्नता है आपकी चैनल पर आकर, और आपके जितने भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, उन सबको भी मैं नमस्कार और प्रणाम करता हूं। उनसे भी मिलकर मुझको बड़ा आनंद है, और धन्यवाद कि आप इतने गंभीर विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं जिसके ऊपर देश का भविष्य आधारित है। ये जो भी कानून लाया जाए, बहुत सोच समझ कर, और मैं समझता हूँ काफी लंबे संवाद के बाद, लोगों से चर्चा के बाद इसको निर्णीत किया जाए, और तब ये कानून आए। जी, इसमें जो अभी जो परामर्श चल रहा है, जो विमर्श चल रहा है बल्कि कहना चाहिए जी, उसमें आपको दोनों तरह के लोग दिखाई दे रहे हैं जी। और यदि हम विशेष रूप से देखें जो मुल्ला मौलवी क्लास है जी, हाँ, असदुद्दीन ओवैसी जो लोग वो सब इसका विरोध कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो जी जी, उनका समझ में भी आता है कि बराबर पीड़ा हो रही है, वो समझ में आता। दूसरी ओर जब हम अपने यहाँ के देश की परंपराओं की बात करते हैं, तो वहां पर भी दो गुण बड़े स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। एक जैसे मैंने बताया कि मधु जी से बात हुई थी, उनका कहना था कि ये कानून गलत है पर ये हमारे समाज के लिए उपयुक्त नहीं है जी। वही कुछ लोग और हैं मेरी जिनसे बात हुई, उनका कहना है कि ठीक है, इसके अपने बहुत सारे फायदे हैं, तो उसका समर्थन करते हैं जी। हाँ, तो जो समर्थन कर रहे हैं उनके जो कुछ कारण, उनका कहना है कि लड़कियों को पढ़ने का समय मिलेगा, अपने पैरों पर खड़ी हो सकेगी जी, शादी के समय अधिक मैच्योर होंगी, उनका जो शरीर है वो ज्यादा विकसित हो चुका होगा उस समय तक जी। और एक और जो कारण बताया, जो लोग ग्राउंड में काम कर रहे हैं विशेष रूप से, जैसे संजीव देवर हैं जो अग्निवीर वाले जी, हाँ, उनका कहना था जो ये लव जिहाद में फंसाते हैं लड़कियों को, तो छोटी आयु में फंसाना कुल होता है, तो अगर ये कानून बन जाता है तो उनके लिए कार्य करना थोड़ा कठिन हो जाएगा जी। हाँ, तो जब पे भी हम चर्चा करेंगे, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो हमारे शास्त्र हैं, शास्त्र सम्मत क्या आयु होनी चाहिए इसकी, फिर उससे आगे बढ़ते हैं जी। हाँ, अब देखिए, शास्त्रों के विषय में एक बात स्पष्ट करनी आवश्यक है। अक्सर हम भारतीय और विशेषकर हम हिंदू ऐसा मानने लगते हैं कि शास्त्र एक बड़ा गोल्डन पीरियड था और जो भी कुछ उसमें लिखा है वो सही था, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो गोल्डन पीरियड तो इस तरह से था कि भारत उस समय बहुत समृद्ध था हर दृष्टि से, और बड़े बड़े सम्राट हुआ करते थे, महान कलाएं थी, हमारी विद्याएं देश देशांतर में फैली हुई थी, भारत एक प्रकार से विश्वगुरु था। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो जो जमाना था, वो जो वातावरण था, वो औद्योगिकरण से पहले का था, और वो आधुनिक जो तकनीक या टेक्नोलॉजी का जीवन है उससे भी भिन्न था। और उस समय में कुछ परिस्थितियां ऐसी थीं कि जो सामाजिक नियम बनाए गए थे वो उन परिस्थितियों के अनुसार बनाए गए थे।
जो परिस्थितियां आज नहीं है। अब इस विषय पर कि विवाह की आयु कन्या के लिए क्या हो, इस विषय पर अगर हम देखें तो उस जमाने में उस समय जो समाज था, उस समय जो अर्थ की व्यवस्था यानी इकोनॉमी थी, उसके हिसाब से तो वो ये कहते थे कि समस्या संतान उत्पत्ति की है। उस समाज में आपको संतान उत्पत्ति करना बहुत आवश्यक था और अधिक से अधिक संतान की उत्पत्ति करना। अब मेरे बचपन तक में मैं हमेशा सुनता था कि बड़ी बूढ़ियां जब नई नवेली दुल्हन को आशीर्वाद देती थी तो वो कहती थी दूधो नाओ पूतो फलो, कि भाई खाओ पियो और बच्चे पैदा करो। अब आज हम कहेंगे कि अरे ये तो स्त्री को बच्चे पैदा करने की मशीन बना रहे हैं। हमारे भागवत साहब ने भी एक दफा कहा कि स्त्री को बच्चे पैदा करने की मशीन है। कहने का अभिप्राय यह है कि आज हमको उतने बच्चे नहीं चाहिए जितने आज से 1000 साल पहले या सिर्फ 300 साल पहले यानी आधुनिक वैज्ञानिक दवाओं के आने से पहले या 2000 साल पहले जिसकी आवश्यकता थी। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जिस समय हमारे शास्त्रों की व्यवस्था दी गई तो उस समय तो यह था कि स्त्री को रजस्वला होते ही, कन्या को रजस्वला होते ही वर ढूंढो, यानी 11-12 साल की उम्र में कन्या रजस्वला हो जाती है यानी मेंस्ट्रुएट करती है और वो शारीरिक रूप से संतान उत्पत्ति कर सकती है, तो उसके लिए वर ढूंढो और उसका विवाह कर दो और 1-2 साल बाद वो संतान उत्पत्ति करे, क्योंकि उसको अगले 15 साल में कम से कम 5 या 10 बच्चे पैदा करने हैं। ये आज से 3 पीढ़ी पहले तक जस्ट बिफोर 3 जेनरेशन यही होता था, भारत में भी होता था, विश्व में अन्य जगह भी होता था, लेकिन हमने देखा ये स्थिति बदल गई। तो आपने कहा कि हमको बच्चे कम चाहिए, उसके लिए एक तरीका ये निकाला गया कि शादी लेट करो और स्त्रियों की शादी की एज बढ़ा दो, और स्त्रियों की शादी की एज पहले लगभग हर जगह 11-12-13 साल थी, तो उसके बाद 14-15 की गई, 16 की गई, 18 की गई और अब 21 करने का प्रपोजल है। कहने को यह नहीं कहा जा रहा है कि आबादी कम करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, कहने के लिए कहा जा रहा है कि हम स्त्रियों की शिक्षा अधिक हो सके इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, अब बात यह समझ में आती है कि स्त्रियों की शिक्षा क्या केवल उनकी आयु बढ़ा देने से हो जाएगी? और प्राचीन काल में क्या शिक्षा नहीं होती थी? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग इसको समझें तो उनके लिए आवश्यक है कि प्राचीन व्यवस्था में ये कहा गया है कि स्त्री की शिक्षा विवाह से पहले अपने पिता के घर होगी और जब विवाह हो जाएगा तो पति उसकी शिक्षा को जारी रखेगा, कंटिन्यू रखेगा। और देखिए, तीसरे अध्याय में कामसूत्र के, वात्स्यायन मुनि के कामसूत्र के, जो कि सामाजिक जीवन के विषय में है, स्त्री पुरुष के संबंध में है, संतान उत्पत्ति की आयु जीवन इत्यादि के संबंध में है, वो खाली वो सेक्सुअल पोजेस के बारे में नहीं है जैसा हम समझते हैं बहुत सारे लोग, तो उसके तीसरे अध्याय में दूसरा सूत्र जो है वो क्या कहता है, प्राग यौवनात् स्त्री, यानी स्त्री यौवन उत्पत्ति से पहले अपने पिता के घर, यहां अभिप्राय यह है पिता के घर पढ़ेगी, प्रत्ता यानी जब उसको दे दिया गया है, च पति उप पत्युः अभिप्रायात्, यानी पति के प्रयत्न से, पति के रिसोर्सेस से, पति के घर फिर उसकी शिक्षा चलती रहेगी। अब ये मैंने आपको सूत्र भी पढ़ दिया,
पहला सूत्र है कि सबके लिए विद्या आवश्यक है। लंबा सूत्र है, मैं वो पढ़ना समझाना मैं समय नहीं देना चाहता। पहला सूत्र कि विद्या सबके लिए आवश्यक है, और फिर वो कहते हैं कि स्त्री के लिए कहां, पिता के घर, जब तक कि वो पिता के घर है, शादी के बाद पति। अब ये सब जानते हैं कि हमारे प्राचीन काल में स्त्रियों को 64 कलाओं की शिक्षा दी जाती थी घर पर। वो कौन कौन सी थी, क्या थी, वो आज हमारा विषय नहीं है, लेकिन ये सब जानते हैं। तो भाई वो 64 कलाएं तो पति ही दिलवाता था, उसका इंतजाम करता था। तो जब उस जमाने में पति शिक्षा दे सकता था, तो आज के जमाने में विवाह के बाद स्त्री शिक्षा लेने क्यों नहीं जा सकती? पहले स्त्रियों की शिक्षा घर पे होती थी, वो गुरुकुल या कोई किसी विद्यालय में या घर छोड़कर नहीं जाती थी, तो पिता के घर लेती थी शिक्षा और पति के घर लेती थी। तो भाई आज भी आप ये करिए, आज भी पिता के घर जब तक है आप स्कूल जाइए, और 16 साल की है, 18 साल की है, 19 की है, तो कॉलेज जाइए। और अगर आपकी शादी हो जाती है, मान लीजिए आप बहुत पढ़ाकू हैं, इच्छा है आपकी, तो आप 25 साल की उम्र तक पिता के घर पर करिए, पीएचडी करिए। और अगर किसी कारणवश आपको 17 या 18 साल की उम्र में शादी करनी हो, तो फिर आप पति के यहां से पढ़िए। वास्तव में देखिए, हमारे ये भारतीय संस्कृति का जो प्रयोजन है वो ये है कि व्यक्ति का विकास हो, पुरुष का विकास हो, स्त्री का विकास हो। अब उस जमाने में छोटी उम्र में शादी इसलिए आवश्यक थी कि बच्चे ज्यादा पैदा करने थे। आज आप क्या कह रहे हैं कि भाई हम बच्चे नहीं चाहते, इतने आबादी इतनी नहीं चाहते, तो हम शिक्षा, हम शादी की, लड़की की शादी की उम्र को बढ़ा बढ़ा कर 21 कर देते हैं। लेकिन क्योंकि हमने ये मान लिया है कि उसकी शिक्षा पिता के घर ही हो, पति के घर ना हो, ससुराल के घर ना हो। भाई मेरे नीरज जी, आप ये देखिए, आज एक सबसे बड़ा जो हिंदू समाज का दुर्गुण है वो ये है कि एक ओर तो वो दहेज मांगता है। अच्छा, आप मान लीजिए दहेज कम भी हो गया, तो वो कहता है साहब पढ़ी लिखी काम करती कमाती लड़की चाहिए। मिडिल क्लास में तो लोग यही चाहते हैं, शहरों में तो यही चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि वो पिता ही सब कुछ कर दे, वो लड़की भी 21 साल की उम्र तक पिता के घर ही रहे या 25 साल की उम्र तक रहे, और फिर जब वो कमाऊ लड़की हो जाए, जैसे कमाऊ पुत होता है, ऐसे ही कमाऊ पुत्री हो जाए, तब वो आए। और फिर आप कहते हैं कि साहब वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, वो अपने पैरों पे खड़ी होनी चाहिए, वो स्वायत्त होनी चाहिए। अब आप समझेंगे ये सब नारे हैं। स्वायत्त तो वो, अगर आप शादी वो करती है किसी भी कारण से, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको 16 साल में शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन अगर वो करती है तो जो उससे विवाह कर रहा है, जो परिवार उसके साथ है, जो उसको बहू बना के ला रहा है, वो उसको क्यों नहीं पढ़ा सकता? और जितनी बड़ी बड़ी विदुषियां हुई हैं वो थोड़े बहुत पिता के घर पढ़ी हैं और उसके बाद पति के घर पढ़ी हैं। ये हमने हमेशा देखा है, आधुनिक काल में भी देखा है और प्राचीन काल में भी देखा है। अब सवाल ये आता है कि अब इस उम्र को बढ़ा देने से लाभ किसको है? देखिए, इससे मैं समझता हूं बहुत बड़े बड़े खतरे हैं। और ये जो राय हमारी सरकार को दी गई है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सरकार, मोदी जी की सरकार को दी गई है, वो मेरी तुच्छ सम्मति में बिल्कुल गुमराह करने वाली एक राय है। वो गुमराह करने वाली राय इसलिए है कि वो ये नहीं सोच रही कि जिन कन्याओं को, जिन लड़कियों को किसी भी सामाजिक कारण से
17 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल में शादी करनी अच्छी रहती है या आवश्यक हो जाती है, वो फिर कैसे करेंगी? अब इसके बहुत सारे कारण हैं। पहले तो आप केवल शहरों को, दिल्ली को, बंबई को, बड़े बड़े धनाढ्य लोगों को, अपर मिडिल क्लास को, मध्य वर्ग को मत देखिए। पहले तो आप ग्राम को देखिए, पहले तो आप वनवासी को देखिए, पहले तो आप जनजाति को देखिए, छोटे शहरों को देखिए, मुफस्सिल जगहों को देखिए, वहां कितनी सुविधाएं हैं कॉलेज की। ऐसी कौन सी सरकार है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे कम्युनिस्ट की हो, चाहे ममता की हो, चाहे अखिलेश की हो, कौन सी सरकार है जो छोटे छोटे मुफस्सिल शहरों के अंदर इतने कॉलेज खोल देगी कि लड़की 21 साल की उम्र तक वहां पढ़ ले? मेरा सीधा सवाल है, आपके पास आज भी कॉलेज नहीं है पढ़ाने के लिए, दूसरे आप स्कूल में आजीविका की शिक्षा नहीं देते, आप कॉलेज में आजीविका की शिक्षा नहीं देते, आपकी जितनी पीएचडी है वो निकम्मे लोग होते हैं जो समाज में काम नहीं आ पाते, दो पैसे नहीं कमा पाते, 30-30 साल की उम्र उनकी हो जाती है। मैं ये सब जानता हूं क्योंकि मैं 40 वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय का प्राध्यापक रहा हूं। तो हमारी सरकार नारा तो ये लगा रही है कि स्त्रियों को हम पैरों पे खड़ा कर देंगे, स्त्रियों को हम सबल बना देंगे, स्वतंत्र बना देंगे, कमाऊ बना देंगे, लेकिन मेरे भाई वो कैसे बनाएंगे? आज आप नहीं बना पा रहे, आज आपकी शिक्षा स्कूल में ब्लैक बोर्ड और चौक की शिक्षा है, आज आपकी शिक्षा रटंत की शिक्षा है, आज आपकी शिक्षा है कि रट लो, रट के इम्तहान दे लो। आईएएस का भी इम्तहान रटंत का इम्तहान होता है, और जो अच्छा रट्टू होता है वो उसमें पास हो जाता है, फिर भारत सरकार उसको 3-4-5 वर्ष ट्रेन करती है। तो आप तो किसी लायक आज आपकी शिक्षा नहीं है, और आप कह रहे हैं कि हम स्त्रियों की आयु को 21 वर्ष कर देंगे जिससे वो शिक्षा ले सके और अपने पैरों पे खड़े हो सके। तो जो धरातल पर स्थिति है, जो सामाजिक स्तर पर हालात है, उसके हिसाब से तो क्या होगा, उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूं क्या होगा। लड़कियां और जिसको कहते हैं निर्बल हो जाएंगी, वो दर दर ठोकरे खाएंगी, क्योंकि और फिर उनमें से बहुत सारे लोग जब मांगेंगे कि आप हमें स्कॉलरशिप दो, हमें पढ़ने के लिए स्थान दो, आप दे नहीं पाएंगे, तो सामाजिक संघर्ष और बढ़ेगा। तो ये जो हमने बना रखा है कि विवाह जो है वो केवल शिक्षा के बाद होगा, ऐसा पहले इतिहास में नहीं होता था, ना आज होना चाहिए। फिर जिन लोगों ने हमारी सरकार को ये राय दी है, मैं समझता हूं वो लोग बड़े शरारती लोग हैं, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, वो बड़े शरारती लोग हैं। वो लोग हैं जो ऐसी राय देते हैं भारत को कि जिससे भारत में विघटन पैदा हो। और दुख की बात है कि विशेषकर हमारी वो सरकारें जो कि भारतीयता को समझने का बहुत बड़ा दावा करती हैं और परंपराओं को जानने का बहुत बड़ा दावा करती हैं, वो ये नहीं समझ पाती कि ये परंपरा क्या, ये किसी भी प्रकार से इकोनॉमी के हालात के अनुरूप नहीं है। आज छोटे छोटे शहरों में खतरा जो है एक लड़की के पढ़ने जाने का कितना बड़ा है। अच्छा, फिर देखिए, एक मेरी ये समझ में नहीं आया कि ये कौन से ऐसे आलिम और जानकार लोग हैं जिन्होंने अब आज इस इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने के बाद
ये कहा है कि लड़की कॉलेज जाके ही पढ़ेगी, घर पे नहीं पढ़ सकती। अब 2.5 साल से किसी कॉलेज के अंदर पढ़ाई नहीं हो रही है, इंटरनेट पे पढ़ाई हो रही है, घर पे बैठकर सब पढ़ रहे हैं। एक नया माध्यम पढ़ाई का निकल आया है, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, सारी दुनिया में वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। तो एजुकेशन फ्रॉम होम नहीं हो सकती क्या? जब आपको इतना बड़ा प्रमाण मिला है वर्क फ्रॉम होम का, अभी पिछले 2 सालों में कोरोना के दौरान, तो मुझको ये बताइए कि जिन बड़े आलिम लोगों ने, बड़े बुद्धिमान लोगों ने भारत सरकार को ये राय दी है, तो उनको अपनी आंखें खोल कर ये नहीं दिख रहा कि वर्क फ्रॉम होम की तरह से एजुकेशन फ्रॉम होम भी हो सकती है, स्टडी फ्रॉम होम हो सकता है फिर। और आप विशेषज्ञों के पास जा सकते हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, उनको बुला सकते हैं, आप उनके साथ विमर्श कर सकते हैं, आप कुछ खास ट्यूशन ले सकते हैं, आप कुछ अलग स्पेशल कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी के इम्तिहान दे सकते हैं। तो जब यूनिवर्सिटी सिस्टम ही बिल्कुल बदल रहा है, तो आपने उस पुरानी यूनिवर्सिटी सिस्टम के हिसाब से यह भी एक कानून ले आए कि 21 साल तक लड़की की शादी नहीं होगी। अब ये एक बात कही। अब दूसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो सचमुच एक खौफनाक बात है। देखिए, जो लोग दुहाई देते हैं प्राचीन काल की, वो ये नहीं जानते कि प्राचीन काल में विवाह तक स्त्री और पुरुषों को मिलने नहीं दिया जाता था। हिंदू समाज में स्त्री अपने परिवार के अन्य लोगों से जब मिलती थी, जब उसका विवाह हो चुकता था, और वो भी अपने रिश्तेदारों की मौजूदगी में। अब आज की परिस्थिति अलग है। आज आपको एजुकेशन को मान चुके हैं, वो आपका व्यवहार हो गया। अब आप लड़कियों के स्कूल हमेशा बिल्कुल अलग, लड़कों के बिल्कुल अलग, कॉलेज अलग, ये सब तो करने वाले हैं नहीं, ना हो सकता है। आप उल्टे भी टक जाइए पेड़ से तो भी ये नहीं होने वाला। कोई सरकार इसका चर्चा तक नहीं करेगी, अगर कोई सुझाव देगा तो उसको महामूर्ख करके हंसी उड़ा दी जाएगी उसकी। ये तो पुराने जमाने के हैं। हाँ, तो अब आप जब इस लड़का और लड़की, आप चाहते हैं कि वो 21 साल की उम्र तक एक दूसरे के पास रहे, सुबह से रात तक बैठे, दिन में 12 घंटे घूम आए, दिन में 12 घंटे क्या 22 घंटे मोबाइल पे आपस में बात करें, तरह तरह के वीडियो देखें और दिखाएं, और कहीं 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 वो घूमने जाएं, कहीं वो ट्रिप पर जाएं, उनका संसर्ग हो, तो मुझे बताइए कि विवाह से पूर्व यौन संबंध, शारीरिक संबंध क्या नहीं होंगे या नहीं हो रहे हैं? क्या भारत सरकार ये नहीं जानती कि आज क्या स्थिति है और कितने संबंध बन रहे हैं? अगर आप 21 वर्ष तक की आयु कर देंगे तो आपने फिर क्या कहा, आपकी अदालत क्या कहती है, क्या कहता है आपका सुप्रीम कोर्ट, क्या कहता है कि जो 18 वर्ष से अधिक आयु का है वो किसी के साथ भी सो सकता है, उसके रिलेशनशिप को परमिशन दे रखी बस। तो लड़की 18 साल की होने के बाद लिविंग टुगेदर तो कर सकती है। तो मैं अपने ये 500 पार्लियामेंटेरियन से, कितने हैं आप तो सही जानते होंगे, 521 हैं या 502 हैं, मैं इन सब सांसदों से विनम्रता पूर्वक ये पूछना चाहता हूं, क्या आप ये इजाजत दे रहे हैं कि 18 साल के बाद लड़की लिविंग टुगेदर कर ले और फिर 21 साल के बाद शादी कर ले?
आप देखिए ना, आप कानून बना रहे हैं, एक तरफ आपने कानून कह दिया और अभी तो एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी किसी धारा में, मैं भूल रहा हूं वो धारा, कि पहले तो एक कानून हुआ करता था कि अगर किसी की पत्नी को कोई दूसरा पुरुष फंसा लेता है तो पति उसके ऊपर मुकदमा कर सकता है, और फिर तो अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई कि आपको अच्छा नहीं लगता तो पत्नी को तलाक दे दीजिए, लेकिन आप उस पुरुष को कुछ नहीं कह सकते। मतलब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पत्नी बीवी कतरे, यानी जो बीवी को कतर ले आपकी, वो सुरक्षित है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बीवी कतरों को तो परमिशन दे दी। आप देखिए कि हम एक और क्या कर रहे हैं, हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा हाई कोर्ट, हमारी न्यायिक व्यवस्था एक और तो ये कह रही है कि 18 साल के बाद आप स्वायत्त हैं, आप भारत की नागरिकता छोड़कर किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लीजिए, भारत का प्रधानमंत्री बनाने में वोट दे दीजिए, आप फौज में चले जाइए, आप कुछ भी करिए, लिखिए, आपका फ्रीडम, सब कुछ फ्रीडम के नाम पर आपका है, लेकिन आपको शादी करने की इजाजत नहीं है। हाँ, लिविंग टुगेदर कर लीजिए। आप देखिए, मैं अपने सांसदों से, मैं इन आलिम लोगों से यही पूछना चाहता हूं कि फिर कल को कोई लड़की कहेगी मैं 18.5 की हो गई, मैं तो अब लिविंग टुगेदर कर रही हूं, तो आप क्या कर लेंगे साहब? और फिर मैं आपको लिख कर दे दूं कि जिन लोगों ने आपको ये राय दी है कि 21 साल की उम्र कर दो, यही लोग आपको राय देंगे कि हां, इन्हें लिविंग टुगेदर का अधिकार दे दो, क्योंकि ये राय देने वाले लोग वो हैं जो भारतीय परंपराओं को, भारतीय स्थिति को, भारत की भूमि के ऊपर जो जीवन है उसको जानते हुए भी नकार रहे। अब हमारे इतने जनजाति के लोग हैं, उनकी परंपराएं हैं, अब वहां हो सकता है कहीं लड़की की शादी 16 साल की उम्र में होती हो, कहीं 14 की में होती हो, तो अब आप सबको क्रिमिनलाइज कर देंगे? अगर आप 21 साल कर देते हैं तो आप ये देखिए कि कितनी लड़कियां हैं इस देश में जो पुलिस से अपनी जान बचाती फिरेंगी, और कितने मां बाप हैं। तो इन चीजों के ऊपर विचार नहीं हुआ है बिल्कुल भी। अच्छा, फिर आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि साहब मैं 21 साल से पहले किसी से प्रेम नहीं कर सकती है? आप 21 साल से पहले मैं प्रेम नहीं कर सकती? तो ऐसा है कि हमारे ये कानून बनाने वालों ने महाकवियों को पढ़ा होगा, कालिदास को पढ़ा होगा, सब बड़े बड़े शेक्सपियर और देश विदेश के कवियों को पढ़ा होगा, और उनको सबने ढूंढ लिया होगा कि इन महाकवियों की सारी प्रेमिकाएं 21 वर्ष के से बड़ी थीं। कालिदास की शकुंतला 21 वर्ष से ज्यादा की थी साहब। तो कहने का मतलब ये कि जो नैसर्गिक चीज है, देखिए, और जो हम दिन रात देखते हैं, हम जिसको टीनेज लव कहते हैं वो देखते हैं, शास्त्र की भाषा में मुग्धा नायिका का प्रेम जो है वो हम देखते हैं, 16 साल की 17 साल की लड़की का, जो कि स्वाभाविक है। तो आप कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, प्रेम कर लो, टेलीफोन के ऊपर मैसेज के बाद मैसेज भेजती रहो, लेकिन 5 साल तक इंतजार करो। तो हमारे सांसद चाहते हैं कि 5 साल की तपस्या हर कन्या करेगी विवाह करने से पहले। वो अपनी लॉयल्टी का प्रमाण देगी। देखिए, मैं तो इस कानून को हास्यास्पद ही नहीं, शरारतपूर्ण मानता हूं। इसमें कोई विचार नहीं है। देखिए,
अब रही बात, बहुत से लोग कहते हैं इससे लव जिहाद कम हो जाएगा, तो देखिए हम सब जानते हैं कि लव जिहाद का जो पैतरा है वो बड़ा सिंपल है। एक मुस्लिम युवक एक हिंदू लड़की के साथ एक संबंध स्थापित कर लेता है और वो शारीरिक संबंध होने के बाद वो लड़की कहती है कि मैं मुसलमान बनने के लिए तैयार हूं, क्योंकि वो मजबूर हो जाती है शारीरिक संबंध के कारण, और वो जब मुसलमान बन जाती है तो फिर वो शादी कर लेती है। और हमारी व्यवस्था ऐसी है कि वो माइनॉरिटीज के खिलाफ एक्शन लेने में हिचकती है और सारा मामला जो है वो दब दबा के रह जाता है। तो इसका इलाज मैंने पहले भी कहा था, इसका इलाज दूसरा है। कुछ कानून बना है, मेरी दृष्टि में वो अधूरा है। इसका पूरा इलाज ये है कि कानून ये बनाइए कि जहां भी अंतर धार्मिक विवाह होगा वो स्पेशल मैरिज एक्ट में होगा और लड़के लड़की का धर्म वो माना जाएगा जो उनके जन्म के समय था। अगर शरिया से अलग स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी होती है, कंपलसरी है, तो ये लव जिहाद आपका अगले दिन ही खत्म हो जाएगा। तो हमारे सांसदों में हिम्मत हो तो ये लॉ बनाए। लव जिहाद का तो वो नतीजा है, क्योंकि 21 वर्ष कर देने से तो लव जिहाद को और समय मिलता है करने के लिए। और अभी तो सबसे बड़ी बात यह है, बहुत सा डिस्कशन इस पर हो रहा है कि ये 21 वर्ष का प्रतिबंध क्या मुस्लिम समाज पर लागू होगा या नहीं। ये तो कहा है उन्होंने कि जो अभी तक मेरी जानकारी है उसमें वो ये कह रहे हैं कि ये जो पर्सनल लॉज हैं उनको ओवरराइड करे, ओवररूल करे। जी हाँ, चलिए हम मान भी लेते हैं कि वो ओवररूल करेगा, लेकिन समस्या तो वही रहती है कि 21 वर्ष तक की आयु तक लड़की जो मेरे माइंड में जो मेरे मन में आ रही थी कि अभी धर्म संसद होके हटी है। हाँ जी, उसमें जो संत समाज इकट्ठा हुआ था उनका कहना कि हिंदुओं को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। जी, तो जो कानून है वो ऐसे बन रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक डिस्कनेक्ट आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। और देखिए ये बात कि हिंदुओं को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए, ये तो एक व्यर्थ का शीर्षासन है। असली बात तो ये है कि आपको मुसलमानों को एक तो समझाना चाहिए और दूसरे ऐसे हालात पैदा करने चाहिए कि उनका इस बात से बिल्कुल विश्वास उठ जाए कि अधिक बच्चे पैदा करके और अधिक आबादी पैदा करके उससे हम राजनीतिक लाभ ले सकते हैं। हमने वहां जो समस्या का हल है वो दूसरा है। वहां समस्या का हल है कि हमने देश में जो विभाजन माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बीच में किया है कि अकलियत या माइनॉरिटी के कुछ अधिकार हैं जो कि मेजॉरिटी को नहीं मिलेंगे, जो कि खास चीजें हैं, जो विशेष फायदे हैं, जिन विशेष फायदों के लिए वो माइनॉरिटी बने रहते हैं और मौलवियों के मकड़ जाल के अंदर रहते हैं और दकियानूसीपन को सरकारें बार बार बढ़ावा देती हैं। यानी ऐसी कोई सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी भी उसी राह पर चल रही है कि जहां इस्लाम के दकियानूसीपन को वो बढ़ावा देती है। मैंने तो नहीं सुना कभी भी कि भारतीय जनता पार्टी का या संघ का जो वो मुस्लिम मंच है उसमें कभी ये आवाज उठी हो कि आप काफिर किसको कह रहे हैं, आप ये क्यों कह रहे हैं कि हर हिंदू नरक जाएगा, आप ये क्यों सिखा रहे हैं, हर मदरसे में आप ये क्यों सिखा रहे हैं कि दावा करना यानी मुसलमान बनाना
हमारी धार्मिक कर्तव्यता है, आप ये क्यों सिखा? देखिए ये सारे प्रश्न हैं जिनको हमें लेना होगा, जिनसे कुछ हल निकलेगा। ये आयु को बढ़ा देने से तो समस्याएं पैदा हो, और ये उनके तो मैं बड़े स्ट्रॉन्गली मानता हूं कि अगर हमें इससे निजात पानी है, क्योंकि आम मुसलमान भी इसका बंधक है, बिल्कुल है, जब तक कि मदरसे चलने देंगे और ये इस्लामिक लिटरेचर चलने देंगे जो कि समाज को बांटने वाला है, बिल्कुल, तब तक हम जिहाद का लव जिहाद लैंड जिहाद को इसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। और अगर कोई छोटा मोटा कानून पैचवर्क जैसा रहेगा, कभी भी हम उसको जड़ से नहीं उखाड़ पाएंगे। आप सही कह रहे हैं, जड़ से उखाड़ने का तो वही है कि इन सभी का शुद्धिकरण करें, इन्हें वापस लेके आए, ताकि ये उस मकड़ जाल से निकले जो इनको मौलवियों ने फंसा रखा है और जिनको हमने 70 साल में घोषित किया। मैं तो यहां तक कहूंगा कि जो किसी एक जो किसी का एक गलत आदर्श है, आप उससे तो हटाएं। तो जो एक गलत आदर्श है इस्लाम का कि दूसरे को यह हक ही नहीं है कि वो बिना मुसलमान हुए जन्नत को प्राप्त कर सकता है, इस धारणा को तो 20वीं शताब्दी में कैसे चलने दिया जाएगा? अगर आप सोचते हैं कि मुसलमान बनकर मैं जन्नत जाऊंगा तो बड़ी अच्छी बात है, आप जाइए, लेकिन आप दूसरों को कंपेल करें, ये धारणा आप किसी को भी, अपने बच्चों को भी कैसे सिखा सकते हैं? और सभ्य समाज में विश्व के कौन से कोने में ये बात सिखाई जा सकती? और इसके बारे में शिकायत करना कोई इस्लामोफोबिया नहीं है। खैर, हम विषय से जरा दूर जा रहे हैं, विषय तो हमारा स्त्रियों की स्त्रियों की आयु जिसमें उनको विवाह करना चाहिए वो है, तो उस पर लौटते हैं। उसमें एक क्वेश्चन और इसमें उठता है जी, है कि आप जब एक ड्राइविंग लाइसेंस लेना है जी, हाँ, 18 की एज में ले सकते हैं, जिसमें हाँ, कि आप अगर कार चला रहे हैं तो कितने लोगों को मार सकते हैं अगर आपकी बुद्धि ठीक से काम नहीं करती। आप पूरा देश चलाने के लिए, स्टेट चलाने के लिए वोट डाल सकते हैं, हाँ, आप आर्म्स लाइसेंस ले सकते हैं जिससे आप हत्याएं कर सकते हैं, हाँ, लेकिन जो एक उस हिसाब से अगर देखें तो सिर्फ आप अपने जीवन को कष्ट में डालेंगे अगर आपका डिसीजन गलत हो जाता है तो, लेकिन आप शादी करने का अधिकार है वो 21 की आयु में दे, तो या तो बाकी सबको भी बढ़ा के 21 कर देना चाहिए। देखिए मेरा सबमिशन बड़ा सिंपल है, ऐसी कोई भी चीज जो कि शरीर के आवश्यकता के विरुद्ध हो, आप उसको जबरदस्ती लोगों पर कैसे ला सकते? देखिए, जब स्त्री हो या पुरुष हो, जब काम वासना प्रकट हो जाती है, शरीर में चलने लगती है, तो उस वासना का एक सामाजिक उपयोग ही विवाह है। और अगर आप शास्त्र की बात कर रहे हैं तो शास्त्र तो यही कहता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं भारत में, धर्म, अर्थ और काम। तो अब आप कहते हैं कि 21 वर्ष की आयु तक सब ब्रह्मचारी हो जाए, या 21 वर्ष की आयु तक आप तो विवाह से अलग, विवाह इतर संबंध करने के लिए स्वतंत्र हो जाए, और उससे जो समस्याएं हो रही हैं, जो यूरोप में हो रही हैं, जो वहां लाखों की तादाद में अनवेड मदर्स होती हैं, जिनके बच्चे होते हैं, जिनको सरकारें कुछ वो देती हैं, हफ्ता देती हैं, यानी पूरा अलाउंसेस देती हैं, तो क्या भारत की सरकार ने इस पर सोचा है? क्या वो ऐसा कर पाएंगे?
यानी इस कानून के लाने से कितना विघटन होगा। मेरी सम्मति में, मेरे विचार से 18 वर्ष आयु होनी चाहिए लड़के के लिए और 16 वर्ष आयु होनी चाहिए लड़की के लिए। इसके साथ साथ हम ये कहें कि आप शिक्षा लीजिए। जी इसमें आई एक प्रश्न पूछना ध्यान आ गया जी 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 कि हमारे शास्त्रों में ब्रह्मचर्य का बहुत महत्व हमने बताया। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कहा है कि जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वो 25 वर्ष तक होता है, तो उसमें आप कैसे सामंजस्य बिठाएंगे? हाँ देखिए, ऐसा है, कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि 25 वर्ष की आयु ब्रह्मचर्य की है। स्त्री के लिए तो ये कह दिया गया है कि वो रजस्वला होते ही उसकी शादी कर दो। अब ये आयु का कि पुरुष की आयु क्या हो, तो पुरुष की आयु जो ये कहा गया है कि वो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहेगा, तो वो किसके लिए कहा गया है? वो उसके लिए कहा गया है कि जो गुरुकुल जाता है। अच्छा, अब ये आप जानते हैं गुरुकुल में केवल पुरुष ही जाते थे, केवल पुरुष ही रहते थे, वहां स्त्रियां नहीं होती थी, बस गुरुजी की पत्नी ही होती थी, अब उसकी उनकी लड़कियां होती थी। अच्छा, वहां आप जब अध्ययन करते थे तो अपनी डिग्री के हिसाब से आप अध्ययन करके लौट आते थे, तो जो प्रायः लोग थे वो 20, 21, 22, 23, 24 ऐसे में किसी भी आयु में लौट आया करते थे। और वहां ये नहीं था कि आपको इतने वर्ष की आयु तक रहना है। हां, इतना जरूर था कि जिसको धुरंधर विद्वान बनना है उसको 42 वर्ष की आयु तक आश्रम में रहना पड़ता था और उसको ब्रह्मचारी रहना पड़ता था, और फिर उसके लिए था कि वो 42 वर्ष की आयु के बाद विवाह करे। और उस जमाने में वो किसी भी आयु की कन्या से विवाह कर सकता था, 15 की, 16 की, 17 की, वो उस समय का एक चलन था। आज हम उन बातों को नहीं ले सकते क्योंकि वो हमारी हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारी शिक्षा व्यवस्था में किसी की तरह से वो कारगर नहीं है। आपको पीएचडी प्राचीन काल में जब मिलती थी, जब आप 42 वर्ष की आयु तक पढ़ लेते थे, और फिर आपके लिए यह आवश्यक होता था कि आप कहीं जाकर दूसरा आश्रम खोलें या आप पढ़ाएं। तो हमको ये देखना चाहिए कि जो प्राचीन व्यवस्थाएं थी हमारी, उनके पीछे उद्देश्य क्या था। आज हम उस उद्देश्य को लेकर अपनी व्यवस्था के हिसाब से चलेंगे तो हम सुखी रहेंगे। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, मनुष्य की प्रकृति, मनुष्य का शरीर, द बॉडी ऑफ द होमो सेपियंस, तो वही है ना। 10,000 साल पहले भी वही थी और आज भी वही है। तो मेरा तो बड़ा सीधा सा प्रश्न है कि जिन समाजों में यह कहा जा रहा है कि आप 21 साल की उम्र तक शादी मत करो, उन समाजों में तो प्री मैरिटल सेक्स के लिए खुला इनविटेशन है और व्यवहार है। अब आप भारतीय समाज में क्या ये कहेंगे? इस हिसाब से तो कह देंगे। अब इससे तो फिर अगर वो कह देंगे तो फिर वो भारतीयता का आपका ढोल कहां गया भाई? वो आपके आपके गांधी बाबा कहां गए जो ब्रह्मचर्य को जीवन का एक महान मूल्य मानते थे? नहीं, उन्होंने तो मस्त काम किया था ना, वो एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ करके, उनका तो सत्या नहीं दे। तो मैं आपसे देखिए वही बात कह रहा हूं कि हिंदू समाज बिना सोचे समझे इतनी आसानी से कुछ लोगों के द्वारा गुमराह हो जाता है कि वो अपने दुश्मनों को नहीं पहचान पाता। मैं बार बार कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा कि हमारी सरकार को मिसगाइड किया गया है। द गवर्नमेंट हैज बीन मिसगाइडेड बाय सम वेरी वेरी मिस्चिवस पीपल।
who want to create disruption in this country. मेरा ये कहना है कि सिर्फ आप मौलवियों और मुल्लाओं को ही चीखने चिल्लाने का मौका नहीं दे रहे, आप हिंदू समाज के लिए भी बहुत सारी समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। और आप शायद दिल्ली और बंबई और ऐसे कुछ बड़े बड़े शहरों के कुछ लोगों की मिडिल क्लास के बारे में सोच रहे हैं, और आप तो छोटे शहरों के बारे में तो नहीं सोच रहे। आप कह रहे हैं कि लड़की को पढ़ना चाहिए, लेकिन आपके पास कॉलेज नहीं है। आप कह रहे हैं लड़की को काम करना चाहिए, लेकिन आप कहते हैं कि काम वो घर से ना करे, वो अपने पति के साथ रहते हुए काम ना करे, वो वर्क फ्रॉम होम ना करे, अगर उसकी एक संतान है तो वो ना करे। अब ये हास्यास्पद बात है। ये हमारे जितने भी सांसद हैं जो कि मेरी आयु के हैं 70-75 के, उनके बेटी बेटा अमेरिका में सेटल्ड होंगे, और उन सांसदों से अपने बच्चों से पूछना चाहिए, जो बच्चे वहां 25 और 26 साल के हैं, 30 या 32 या 40 साल के हैं, जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो संतान का पालन भी कर रहे हैं, कमाई भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, नए कोर्सेज भी कर रहे हैं, ये हमारे सांसदों को करना चाहिए। जो सारे सांसद भारतीय जनता पार्टी के हाथ उठाकर कह रहे हैं कि हां बहुत अच्छा सरकार ने किया, जरा सोचे वो लोग। ये हमारे आईएएस अफसरों को सोचना चाहिए, उन आईएएस अफसर बताएं ना कि उनके बेटे बेटी क्या कर रहे हैं अमेरिका में, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, शादी से इसका क्या संबंध है। तो मैं तो क्या कहूं, हतप्रभ हूं। अब वो बात दूसरी है कि मेरे अंदर बहुत प्रभा शायद ना हो, बहुत लाइट मेरे अंदर ना हो, इसलिए जल्दी बुझ जाती है मेरी लाइट, लेकिन जितनी भी है उसके अनुसार ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि 21 वर्ष की आयु कर देने से किसको लाभ होगा। और आप लिख कर रख लीजिए कि अगर सरकार ऐसा कानून ले आती है और सरकार इसको पास कर देती है तो इसका वही हाल होगा जो किसान कानूनों का हुआ, क्योंकि ये कानून ही अप्राकृतिक है। दिस इज अगेंस्ट नेचर, दिस इज आस्किंग ए हेल्दी वेल मीनिंग वोमन टू स्टे सेलिब्रेट टिल 21 और टू हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप्स आउटसाइड मैरिज फ्रीली। ये इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही आपको? जी अच्छा, मैंने आपको टोक दिया था जब आप 18 और 16 वाली आयु की बात कर। जी हाँ हाँ, देखिए ये मेरा व्यक्तिगत मत है कि पुरुष के लिए 18 और कन्या के लिए 16, और मेरा तर्क बड़ा सिंपल है। अगर मैं देश का प्रधानमंत्री 18 वर्ष की आयु में चुन सकता हूं तो मैं अपनी पत्नी 18 वर्ष की आयु में क्यों नहीं चुन सकता? अगर मैं फौज में जा सकता हूं और कमीशन्ड ऑफिसर बन सकता हूं तो मैं विवाह क्यों नहीं कर सकता पुरुष में? आप या तो ये कहिए कि 18 वर्ष की आयु में इतनी अकल ही नहीं होती, और अगर सारी अकल होती है तो विवाह की अकल क्यों नहीं होती? फिर मैं दूसरी बात यह बताना चाहता हूं कि विवाह की आयु का संबंध न तो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन से है और न शिक्षा से। ये हमने सीमाएं जबरदस्ती बांधी हुई हैं, और ये सीमाएं जो चली आ रही है कि इतनी साल 19 साल की आयु तक स्कूल होगा,
उसके बाद कॉलेज होगा, 21 साल में बीए होगा, फिर 24 में 25 में एमए होगा और 28 में पीएचडी होगी। ये व्यवस्था आज टूट चुकी है। ये सारी की सारी व्यवस्था अब बहुत बड़े परिवर्तन में जा रही है। जो लोग शिक्षा के लिए जिम्मेदार हैं वो इसको देख नहीं पा रहे हैं। अमेरिका और यूरोप जैसे अत्यंत समृद्ध प्रदेशों में यूनिवर्सिटीज जो हैं वो सुकड़ रही हैं, उनको चलाना असंभव हो रहा है, उनके अंदर कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं है। और जिस तरह से वहां ट्यूशन इतना महंगा हो गया है कि लोग पढ़ नहीं सकते, तो वहां बहुत बड़ी सामाजिक विसंगति पैदा हो गई है। आज से 10 साल बाद आप देखेंगे कि लोग घर में पढ़ेंगे, तरह तरह से पढ़ेंगे, विशेष इम्तहान देंगे, डिग्री हासिल करेंगे। अधिकांश लोग ऐसा नहीं करेंगे कि वो यूनिवर्सिटीज के अंदर और हॉस्टल्स के अंदर जाकर रहेंगे, क्योंकि सरकारें ही ये सुविधा प्रदान नहीं कर पाएंगी। जब बड़े बड़े समृद्ध देशों में नहीं कर पा रही है तो भारत में क्या करेंगे, यहाँ की आबादी इतनी बड़ी है। जी, एक कुछ लोग जो इस कानून का समर्थन कर रहे हैं उनका एक ये मत है कि 21 वर्ष में जो शरीर है महिला का वो बच्चे को जन्म देने के लिए परिपक्व होता है। छोटी आयु में जो बच्चे को जन्म देती है तो उनके अपने स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव होता है या बच्चे स्वस्थ नहीं। एक छोटी आयु से मतलब कितनी छोटी आयु? 10 साल, 11 साल, 12 साल? देखिए, मैं इसके ऊपर कोई विशेष मत अपना देने का अधिकार नहीं रखता, लेकिन अगर बहुत सारे गायनोकोलॉजिस्ट, बहुत सारे मेडिकल जानकार इसके बारे में कुछ बहुत ही क्या अनुसंधान करने के बाद कुछ अगर लिखें, तब तो मैं मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि उसके लिए 21 वर्ष कोई बहुत मैजिकल डेट है। आप एक देखिए, एक सामान्य बात है, प्रकृति क्या कह रही है। प्रकृति तो आप स्त्री को 13 साल की उम्र में रजस्वला करके प्रजनन के लिए तैयार कर देती है। अगर कुपोषित महिला है तो चाहे वो 16 की है, चाहे वो 19 की है, चाहे वो 20 की है, चाहे 25 की है, अगर अस्वस्थ महिला है तो वो प्रसव के लिए तैयार नहीं है, तो वो संतान उत्पत्ति में बेचारी शरीर से भी जाएगी और संतान से भी जाएगी। लेकिन अगर कोई स्वस्थ है, अगर कोई खाती पीती स्त्री है जिसको जिसके ऊपर बड़े बूढ़े हैं, जिसकी देखभाल करने वाले लोग हैं, तो मैं समझता हूं कि जो प्रकृति ने आपको दिया है कि 13-14 साल की उम्र में स्त्री संतान उत्पत्ति कर सकती है, तो उसमें कोई गलत होने की संभावना नहीं है। अब कुपोषण की बात छोड़ लीजिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है ना, उसके आंकड़े थे कुछ इस तरह के कि अगर आयु एवरेज जो एज है वो बढ़ जाए थोड़ी सी महिलाओं की, तो उससे जो बच्चा है और जो माँ है दोनों का स्वास्थ्य ठीक रह सकता है। हाँ, तो देखिए इसके अंदर क्या है कि अगर अब वो 21 ही क्यों हो, और फिर वहां दूसरी वहां 21 नहीं लिखा होता, वहां तो बस उन्होंने कहा था कि क्योंकि छोटी आयु होता है इसलिए समस्या रहती है, वहां उन्होंने नंबर नहीं दिया। बस, तो फिर अब आप उसे 15 रख दें, 16 रख दें, 17 रख दें, क्योंकि जो दूसरी समस्या पैदा हो रही है, एक बड़ी सीधी सी बात है। प्रकृति कहती है कि प्रजनन की जो क्रिया है संभोग, उसकी ओर जाओ, और सरकार कहती है कि नो वेट। तो मैं समझता हूं यहां तो सरकार में गांधी बाबा का भूत आ गया। वो ये तो
क्या कहते हैं, कुछ ब्रह्मचर्य के और इस तरह के बड़े बड़े विचार आ गए हैं जो कि सर्वथा भारतीय हैं। भारत यानी धर्म शास्त्रों में तो इस प्रकार का ब्रह्मचर्य कहा नहीं गया कहीं। देखिए, जो प्रकृति चाह रही है आप उसके विरुद्ध ले जाना चाह रहे हैं अपनी सोशल इंजीनियरिंग के कारण। अच्छा, एक प्रश्न पूछा है दर्शक ने, जी शेयर कर रहा हूँ। जी दीपक कुमार जी हैं। जी वो जब मैंने कहा था ना कि इलेक्शन में तो आप वोट डाल सकते हैं, उस संदर्भ में कि इलेक्शंस हैपन एवरी 5 years। जी जी, नॉट ओनली 1% वोट्स बट 18 to 100 एज वोट्स। मेंटल मैच्योरिटी जॉब इज ओनली आफ्टर 21। समथिंग रॉन्ग विद एनालॉजी। दीपक जी, आप अपने आंसर में देख लीजिए ना, आपको उसमें विरोधाभास दिखाई दे जाएगा कि मेंटल मैच्योरिटी चाहिए। तो मेंटल मैच्योरिटी तो देश का प्रधानमंत्री चुनने के लिए भी चाहिए, आपने स्टेट का चीफ मिनिस्टर चुनने के लिए भी चाहिए, गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए, क्योंकि अगर आप लाइसेंस ले रहे हैं 18 वर्ष की आयु में, अगर मेंटल मैच्योरिटी नहीं है तो आप दूसरों को कुचल सकते हैं उस गाड़ी से। आप वेपन ले रहे हैं, वेपन का लाइसेंस आपको 18 की आयु में मिल जाता है, तो आप केवल अपने लिए रिस्क नहीं ले रहे, आप दूसरों के जीवन से खिलवाड़ करते हैं। यह मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि जब आप शादी करने वाले हैं तो आपका अपना जीवन रिस्क पे आता है, जबकि ये जो बाकी एक्टिविटीज हैं इनके कारण दूसरों का जीवन रिस्क पे आता है, जो कि ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो आपको एनालॉजी शायद थोड़ी ठीक लगती है। मैं हर 5 वर्ष बाद आता है। जी भरत जी कुछ कह रहे हैं। हाँ, मैं एक बात और ये रखना चाहता हूं यहां कि भारतवर्ष में जो विवाह होते हैं आज भी, कुछ एक थोड़े से लोगों को छोड़कर, वो केवल व्यक्ति के द्वारा नहीं किए जाते, उसमें कहीं ना कहीं परिवार की थोड़ी बहुत सम्मति होती है। अब आप ये मान रहे हैं, ये जो जितना भी सारा थिंकिंग चल रहा है इंडिविजुअलिज्म का, व्यक्तिवाद का, ये जो पश्चिम के सोशल साइंटिस्ट, या पश्चिम के भी मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर पश्चिम के होते तो वो अमेरिका में 18 साल की उम्र क्यों रखते शादी के लिए, वहां तो लड़का लड़की, और कहीं कहीं तो कुछ अमेरिकन स्टेट्स में तो उससे भी कम है, 16 वर्ष। हाँ, कहीं 16 भी है। तो ये हमारे यहाँ के वो लोग हैं कि जो किसी अपने ही एजेंडा से चलते हैं, वो ये नहीं देखते कि भारत के अंदर विवाह जब होते हैं तो वो परिवार के द्वारा भी किए जाते हैं, आज भी किए जा रहे हैं। अधिकांश विवाह भारत में परिवार के द्वारा किए जाते हैं, लड़के लड़की की सम्मति के द्वारा किए जाते हैं। तो वो जानते हैं कि किसकी जगह कहां विवाह करना है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि हमारी सरकार को, और विशेषतः भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, भारत की संस्कृति को भूलकर कानून नहीं बनाने चाहिए। जी ठीक बात है। अच्छा, एक ये है जी, वडलामणि रवि किशोर कुमार। नमस्ते, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन फैमिली सिस्टम इन भारत। जी हाँ, फैमिली सिस्टम के ऊपर तो इसका बहुत बुरा प्रभाव होगा, क्योंकि बहुत सी जगह हालात ऐसे होते हैं, खासतौर से कुछ छोटे ही शहरों में, खासतौर से कुछ आदिवासी जनजाति और इस प्रकार के ग्राम्य लोगों में, कि वो नहीं चाहते कि लड़की को 21 वर्ष की आयु तक घर में रखें, वो चाहते हैं कि सुयोग्य वर मिले। और बहुत सी जगह तो एक समस्या भी होती है। देखिए, हम तो ये मानकर चल रहे हैं कि जो मॉडर्न स्टेट है वो इतना एफिशिएंट है कि वो सबको सुरक्षा प्रदान कर देगा। ये तो वही वाली बात हो गई कि आप दिल्ली में कहें, एक महिला कहे कि मैं तो रात के 2:30 बजे जाना चाहती हूं,
और मैं बस में चलना चाहती हूँ और फिर मेरे साथ कोई दुर्घटना ना हो, और अगर हो जाए तो उसके लिए दिल्ली पुलिस जिम्मेदार। तो ये बहुत सारी हमारी असंभव डिमांड्स हैं। हमारे देश के अंदर तरह तरह की सामाजिक परिस्थितियां हैं, उन सबको देखते हुए ये 21 वर्ष की आयु परिवारों को बहुत कष्टप्रद रहेगी। इसके ऊपर कंसेंसस क्यों नहीं किया जाता, मैं कहता हूं। ठीक बात। इसके ऊपर चर्चा, व्यापक चर्चा क्यों नहीं होती? क्या सरकार धरनों का इंतजार कर रही है? क्या सरकार चाहती है कि पहले विद्रोह हो? क्या सरकार ने अपने कुछ विशेषज्ञों के अतिरिक्त औरों से भी पूछा? नहीं पूछा। क्या इसकी चर्चा हुई? ये तो आप आउट ऑफ द ब्लू जिसको कहते हैं वो ले आए। आपकी इस, आपने इसकी देश में कोई व्यापक चर्चा नहीं की। तो इतना बड़ा सवाल है ये कृषि और उत्पादन से कहीं बड़ा सवाल है भाई, और उसकी बिना चर्चा किए आप एक कानून ले आए या प्रपोजल ले आए। राजेंद्र चौरसिया जी हैं, शादी के लिए कोई भी उम्र की सीमा तय करना गलत है, क्योंकि हर इंसान की मैच्योरिटी की उम्र अलग हो सकती है। हम किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते विवाह के लिए। बिल्कुल सही है। बस मैंने जैसे कहा कि हमें तो शारीरिक अवस्था या बायोलॉजी को देखना है, इसीलिए जो धर्मशास्त्र इत्यादि हैं उन्होंने कहा जब स्त्री रजस्वला हो जाए तो वो शादी कर सकते हैं आप उसकी। अब सारी स्त्रियां तो पहले 13 साल की उम्र में शादी नहीं कर दी जाती थी सबकी, बहुत सारी ऐसी भी होती थी जो करती ही नहीं थी, वो ब्रह्मवादिनी कहलाती थी, वो गुरुकुल जाती थी, ऐसे भी होते थे। तो ये जो हमारे समाज में वैरायटी हमेशा से रही है उसको देखते हुए कानून बनना चाहिए। जी। सम्यक चरित्र, मेंसुरेशन इज अच्छा। एक मिनट, मनुस्मृति में आता है कि रजस्वला होने के बाद 3 वर्ष इंतजार करें उसके बाद विवाह करें, तो ऐसा भी हमें होता है? नहीं, 3 वर्ष का नहीं, वो 3 वर्ष का ये है कि 3 वर्ष से अधिक न रुके। मतलब आप रजस्वला होने के बाद कर दें, लेकिन 3 वर्ष के बाद रुकना फिर बहुत गलत है। ये जी मेंसुरेशन इज अ साइन ऑफ बिगिनिंग ऑफ फिजिकल चेंजेस एंड नॉट ऑफ अटेनिंग मैच्योरिटी। फिजिकल डेवलपमेंट डजंट स्टॉप अंटिल 20। अब देखिए ये सारी चीजें एक एक विशेष प्रकार की विचारधारा के अनुसार है। आप मतलब आप सोचिए कि मेंस्ट्रुएशन का मतलब क्या है, कि प्रजनन हो सकता है। अब आप ये कहते हैं कि साहब अभी तो काफी नहीं है, तो ये तो खुद में एक थ्योरी है ना, ये तो खुद एक डॉक्टरों का बनाया हुआ है, इस पे मैं कैसे विश्वास कर लूं? प्रकृति तो साफ कह रही है, और मनुष्य नहीं जितने भी प्राणी हैं सब में यही नियम है। तो जो सार्वभौमिक नियम है हम उसे ना माने और कुछ डॉक्टरों के द्वारा जो दिए हुए स्टैटिस्टिक्स हैं और रिसर्च है उसे मान ले, तो उसका नतीजा तो वही होगा जो आज कोरोना में हो रहा है, कि किसी को यही नहीं पता कि ये मनुष्य ने बनाया या प्रकृति से आया कोरोना, या ये बायो वॉरफेयर है या क्या है। आज की तारीख में डॉक्टरों की क्रेडिबिलिटी 0 है। ठीक बात है। अच्छा, सब लोकतंत्र निरंतरी सर, काफिरोफोबिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस्लामोफोबिया, व्हाट्स योर व्यूज? अरे सब लोकतंत्र, इसमें बहुत बड़ा फ्लॉ है कि काफिरोफोबिया तो एग्जिस्ट करता है, इस्लामोफोबिया एक फरीब है, झूठ है, इस्लामोफोबिया एग्जिस्ट नहीं करता। इस्लाम से डरना जरूरी, उसे फोबिया नहीं कह सकते।
इस्लाम में काफिरोफोबिया है वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसमें तो एक अलग से एक दो दिन में डिस्कशन करने वाला हूं इस्लामोफोबिया पे, तो वहां ये आपका प्रश्न है। दीपक कुमार जी, क्या ये सही नहीं होगा कि डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक की सलाह लेकर इसका निर्णय लिया जाए? बिल्कुल सही, चर्चा तो हो, बहुत सारे लोगों को आपको परामर्श और विमर्श में लाना होगा, सरकार ने तो कोई चर्चा की ही नहीं है। जी हाँ, अगला ले जी। डॉक्टर वर्णलमानी रवि किशोर, विल इट इफेक्ट जेंडर इक्वालिटी गोल्स? अरे यार, ये वहां वेस्ट वाले आप टर्मिनोलॉजी मत उठाइए जेंडर इक्वालिटी की, यहां पर इसको अगर इम्पोर्ट ना करें तो हमारे लिए ज्यादा भला रहेगा। देखिए, मैं जेंडर इक्वालिटी की ये बात कर रहे हैं, मैं एक सामान्य व्यवहार दुनिया भर में जो होता है उसकी बात कर रहा हूं। सारी दुनिया में ये देखते हैं कि स्त्री अपने से 5, 7, 10, 3, 4 वर्ष अधिक आयु वाले पुरुष से शादी करती है अगर स्वतः करना चाहती है। अगर सामाजिक प्रथाओं को ले तो लोग 8 या 10 साल का अंतर भी, यानी पुरुष बड़ा हो और स्त्री कम आयु की हो, और ये इसलिए है कि एट एन एवरेज स्त्रियों की आयु लंबी होती है और पुरुषों की कम होती है। तो प्रकृति को देखते हुए ये व्यवहार बना है। अब अगर ये जेंडर इक्वालिटी को यहां ले आए जो कि ये ला रहे हैं इसमें कि 21 वर्ष की आयु दोनों के लिए 21 वर्ष की आयु, तो इससे और समस्याएं खड़ी होंगी। 21 वर्ष की कन्या कहेगी कि भाई मैं तो 27 28 साल के लड़के से शादी करूंगी, और ये होगा क्योंकि जो समर्थ हैं, जो कमाऊ लड़कियां हैं, वो कहेंगी कि जो मेरे से डौड़ा दुगना कमाएगा उससे करूंगी। तो जो 28 और 27 साल के लड़के हैं जिनको लड़की नहीं मिलेगी क्योंकि उनको 21 साल की लड़की शादी नहीं करेगी कम वाली, तो वो क्या करेंगे बताइए आप? आप समाज की सारी स्थिति को नहीं सोच रहे हैं। मैं अब एक सेंटेंस बोल देता हूं, जिन लोगों ने भारत सरकार को ये राय दी है उनका एजेंडा ये है कि भारतवर्ष में भी एक्स्ट्रा मैरिटल और प्री मैरिटल सेक्स का बोलबाला हो जाए। ये वो लोग हैं जो हमारी परंपराओं को और हमारी मूल्यों को हर तरह से तोड़ना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी को जो मैं कह रहा हूं उस पर गंभीर विचार करना चाहिए।